क्वेश्चन मेरे पास जून 2023 के एग्जाम का ही है आपके पास। यहाँ आपके पास जो प्रॉब्लम है, यानी कि आपके पास अब मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। आपके पास अगर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो आपके पास जो आयलर इक्वेशन की हेल्प से एक्सट्रीमल ऑब्टेंड होता है, तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। जब आपके पास मोर देन टू या टू से मोर देन आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों या उससे ग्रेटर देन डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो आपके पास सिस्टम ऑफ ओडी में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ आपके पास जो एक्सट्रीमल गिवन है, वो गिवन है आपके पास फंक्शनल जे ऑफ बाई ऑफ एक्स एंड जेड ऑफ एक्स, यानी कि दो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 0 to 1 बाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर प्लस बाई डैश जेड डैश इंटू डी। कंडीशन है आपके पास बाई एट 0 पे 1, बाई एट 1 पे आपके पास 0, जेड एट 0 पे आपके पास क्या है -1, जेड एट आपके पास क्या है 1 = 2। तो जब हमारे पास गिवन फंक्शनल अगर आपके पास आई ऑफ बाई ऑफ एक्स इंटीग्रल वैल्यू ए टू बी, अगर हमारे पास ये जो होता है आपके पास फंक्शन ऑफ बाई डैश इंटू डी एक्स, यानी कि सिंपल हमारे पास डेरिवेटिव का फंक्शन होता है, यानी कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एबसेंट होते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सट्रीमल ऑप्टेंड होता है वो हमेशा आपके पास क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, तो यानी कि सिस्टम ऑफ ओडी बनेगी, यानी कि एक आपके पास बाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, एक जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से भी आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल बाई जेड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, ये टर्म आपके पास एबसेंट है इन दी फंक्शनल। तो आपके पास यहाँ से जो सिस्टम ऑफ ओडी में आप जेड एक्स एंड बाई एक्स फाइंड करेंगे, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। तो जब भी अगर आपके पास फंक्शनल में एक्स यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल एबसेंट है, यानी कि फंक्शन ऑफ ओनली बाई डैश का है, तो आपके पास जो एक्सट्रीमल ऑप्टेंड होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ऑप्टेंड होगी। तो यहाँ से आपके पास जो बाई ऑफ एक्स ऑप्टेंड होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी होगी। आप अगर आयलर इक्वेशन की हेल्प से भी फाइंड करेंगे तब भी आपके पास यही मिलेगी। और आपके पास जेड ऑफ एक्स क्या मिलेगा, वो भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सी एक्स प्लस डी। अब आपके पास ये कंडीशन है बाई एट जीरो पे आपके पास वन गिवन है और आपके पास बाई एट वन आपके पास जीरो गिवन है। तो बाई एट जीरो पे आपके पास वन का मीनिंग क्या है, आपके पास बी की वैल्यू वन है। तो यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू वन फिक्स हो गई। अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास बाई एट वन पुट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ए प्लस बी की वैल्यू वन जीरो, दैट इज आपके पास जो बाई वन मिलेगा वो सॉरी ए की वैल्यू जो मिलेगी वो माइनस वन मिलेगी। तो यहाँ से आपके पास जो बाई एक्स मिलेगा वो माइनस एक्स प्लस वन मिलेगा। सेम आप जब जेड के लिए कंडीशन यूज़ करेंगे तो जेड एट जीरो आपके पास क्या है, माइनस वन, तो डी की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी, माइनस वन। जब आप एक्स की जगह वन पुट करेंगे तो आपके पास जेड ऑफ एक्स वन किसके इक्वल है, टू के, सी इंटू एक्स की जगह आपने क्या यूज़ किया, वन, डी की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस वन। तो यहाँ से जो सी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 3। तो यानी कि आपके पास जो जेड एक्स मिलेगा वो 3x-1। अब आपके पास रिलेशन पूछा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में जेड प्लस 3y, तो आपके पास जेड ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स वाई ऑफ एक्स फाइंड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 3x-1-3x+3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ट्रू होगा, सेकंड फॉल्स होगा। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में पूछा गया आपके पास वाई ऑफ एक्स प्लस जेड ऑफ एक्स, तो ये क्या आएगा, आपके पास वाई ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास माइनस एक्स प्लस वन और जेड एक्स की वैल्यू आपके पास 3x-1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x मिलेगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ए एंड सी ट्रू होंगे, रिमेनिंग आर फॉल्स।